प्रणाम जी सुंदर साहद जी प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर जी शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं पिछले तीन दिन से आपकी इस जानमयी सेवा में से उपस्थित नहीं हो पाया था लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि दीप्ति दीदी के मुखारबिंद से भी जो अभी तक की चर्चा हुई है राज्य की मेहर से आपने उसका भी भरपूर आनंद लिया है और कल की चर्चा में आप सबने सुना श्री जी अब्बासी मंदिर में है जिनमें भैरवसेठ सिरदार हैं अर्थ की दृष्टि से भी उन्होंने आर्थिक सेवा तो की है लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने त्याग किया जिसके बिना उनका जीवन ही नहीं चलता है ऐसा प्रतीत हो रहा था उन उन पदार्थों को श्रीजी के कहने मात्र से उन्होंने छोड़ा तो त्याग की दृष्टि से भी वह अब्बासी बंदर में सिरदार हैं अग्रगण्य हैं और साथ ही तेजबाई माता जी हैं बुजुर्ग हैं और किस तरह से परोक्ष रूप से सभी महिला सुंदर साथ का वो नेतृत्व करती हैं किस तरह से श्री जी ने भैरव सेठ की जागनी करी और कैसे उन्हें चार बातों का परहेज कराया उन चार बातों का परहेज कराना अथवा करना हम सब के लिए क्यों आवश्यक है आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन सभी विषयों में हमने कल चर्चा सुनी इस प्रकार दो तीन माह व्यतीत हो चुके हैं अब्बासी बंदर में और श्री जी क्या विचार कर रहे हैं कि बात बड़ी है करनी आवे सकुंडल साकुमार विस्तार हुए ब्रह्मांड में जाको वार न पार हमारा लक्ष्य एक ही स्थान पर अटके रहना एक ही स्थान पर फंसे रहना नहीं है लक्ष्य क्या है हमारा सकुंडल और सकुमार की जागनी करनी है प्रमुख रूप से जब सकुंडल और सकुमार की जागनी होगी तो उनके द्वारा वाणी का विस्तार होगा ब्रह्मज्ञान का विस्तार होगा और यह तब तक संभव नहीं है जब तक हम एक ही स्थान पर फंसे रहें इसीलिए कहते हैं हम एक ही बंदर अटके क्या राज करना इत ये तो हमें ना छोड़त आज इन बखत श्री जी कह रहे हैं मूल स्वरूप की तरफ संकेत करके मूल स्वरूप की तरफ दृष्टि करके कि धामधनी ये तो हमें छोड़ नहीं रहे हैं यहां से जाने नहीं दे रहे हैं तो आप ही कोई ऐसा माहौल बनाइए ऐसी परिस्थिति ऐसा कार्य कारण बनाइए कि हम यहां से निकल सके तो इतने में क्या हुआ कि वहां एक स्थानीय अधिकारी का स्थानांतरण हुआ उसका ट्रांसफर हुआ और वहां पर कोई दूसरे अधिकारी का आगमन होना निश्चित हुआ और जो नया अधिकारी आने वाला था उसके विषय में यह जन प्रसिद्ध था कि वह विशेष रूप से एक प्रकार की सांप्रदायिक कट्टरता की भावना रखता है हृदय में और हिंदुओं के प्रति द्वेष रखता है जब भैरव सेठ और अन्य सुंदर साथ ने यह सुना तो उन्होंने प्रयास किया अपने तरफ से कि इस अधिकारी का यहाँ पर स्थानांतरण ना हो यहाँ पर ट्रांसफर ना हो लेकिन वे कुछ कर नहीं पाए फिर उन्होंने सोचा सेठ को संकोच हुआ कि यहाँ तो परिस्थिति ऐसी बनी कि उसकी कट्टरता के सामने हमें अपने लौकिक परिवार को भी छिपाना बचाना मुश्किल हो रहा है तो श्री जी को हम किस तरह से रखें हमारे रहते रहते यदि उन्हें कुछ हुआ तो वह भी अच्छा नहीं रहेगा इसलिए फिर उन्होंने सामने से ही श्री जी को कहा कि श्री जी साहब हम चाहते नहीं थे कि आप यहाँ से जाएं, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए अब श्रीजी सहित जितने सुंदर साथ थे उन सबको अब्बासी बंदर के सुंदर साथ ने विदा दे दी बसरा जाने वाली जो नाव थी उनमें सबको बैठाया गया और श्रीजी सहित जितने सुंदर साथ वापस भारतवर्ष की तरफ आ रहे थे उन सब को अब्बासी बंदर के सुंदर साथ ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र आभूषण पैसे इत्यादि दिए जैसी जिसकी शक्यता थी जैसी जिसका जिसकी सामर्थ्य थी वैसी उन्होंने सेवा की महामती श्री लालदास जी कहते हैं जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तीन माफक सुंदर साथ में ब्रह्म सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि जीव सृष्टि हर कोई होते हैं पर लाभ अंकुर के माफक लेने का तात्पर्य क्या है देखिए जो जीव सृष्टि है सामान्य रूप में उनकी जो ललक या उनकी लगन होती है वो किसी न किसी प्रकार के कर्म कांड में सुंदर साथ में भी ऐसा नहीं है कि जब चौपाई कह रही है कि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हो तो हम किसी दूसरे की पहचान बताएं कि नहीं तुम ब्रह्म सृष्टि हो तुम ईश्वर सृष्टि हो तुम जीव सृष्टि हो बिहार जी की तरह जो हमें पसंद आए वो ब्रह्म सृष्टि और जो पसंद ना आए वो जीव सृष्टि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो रहनी से पहचानी जा सकती है जीव सृष्टि की रहनी होती है जैसे राज्य के सामने जाकर के भी लौकिक मन्नतों का मांगना कि राज्य हमने आपके नाम पे ऐसा किया है तो आप हमें ऐसा कर दीजिए हम आपके नाम पे इतने रुपए की मिठाई चढ़ा रहे तो आप हमारा ये काम कर दीजिए ये जीव सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान प्रधान होती है सामान्य रूप में देखा जाए तो ईश्वरीय सृष्टि में ज्ञान की प्रधानता होती है और प्रेम का थोड़ा सा असर होता है थोड़ा सा प्रेम का भी अंकुर होता है और ब्रह्म सृष्टि में ज्ञान तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि जागृत बुद्धि निज बुद्धि उनके लिए ही है स्वाभाविक रूप से ज्ञान तो होता ही है पर उनमें विशेष रूप से प्रेम का प्रभाव होता है प्रेम का वर्चस्व होता है और साथ में दृढ़ विश्वास भी होता है राज्य के प्रति क्योंकि बिना विश्वास के तो प्रेम हो नहीं सकता तो ये लक्षण है अब हमारे अंदर कैसी प्रधानता है वो हम देख सकते हैं कि हम भी जा करके बाईजुराज महारानी के सामने जा कर के चद्दर उड़ा करके, करके महाराज महारानी जी हमारी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए नारियल चढ़ा करके कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए यदि हमारी भी ऐसी रहनी है तो हमें अपनी रहनी को बदलने की आवश्यकता है तो जैसा जिसका अंकुर था उनने ऐसा ही लाभ लिया ताको तैसी शोभा भई जो अज्ञाती हक धामधनी की मेहर से अथवा उनके हुक्म से जिसको जैसी शोभा मिलनी थी वैसी शोभा मिली श्री लालदास जी कह रहे हैं कि ये अब्बासी बंदर के बीतक है अब पुनः नगर की बीतक बताने जा रहे हैं क्योंकि अब्बासी बंदर से श्री जी सईद सुंदर नगर पहुंचते हैं पहले तो क्योंकि समुद्री मार्ग से आना है तो किसी न किसी बंदरगाह में उतरेंगे इसीलिए अब्बासी बंदर से सबसे पहले कोग बंदर में जहाज उतरी जो लंबी दूरी की थी फिर वहाँ से नाव चढ़े छोटी दूरी की यात्रा करने वाली ना नाव पर चढ़कर श्रीजी श्री जी पहुँचते हैं लाठी बंदर लाठी बंदर में चार दिन रहकर अब श्री जी पहुँचे नगर। उनके पहुँचने की खबर जैसे ही मिली तो नाथा जोशी सुंदर को पता चला वो भागे भागे गए फिर बाई और जिंदा दास के घर में पहुँचे वहाँ पहुँच करके डेरा किया अर्थात निवास किया बाई रसोई की सेवा करती हैं बाजार से साग सब्जियां ला करके सुंदर साथ को भोजन कराती हैं अब इसमें सुंदर साथ को सबको उमंग है क्योंकि कई महीनों के बाद में श्रीजी मिले हैं ठाकुरी बाई तो भोजन बनाने की सेवा में लग गई बाकी सब सुंदर श्रीजी के पास बैठे अब्बासी बंदर की सारी बीतक सुनी श्रीजी ने सुनाई कि किस तरह से दीप बंदर में जिन सुंदर का अपहरण हुआ था उन सबको भैरव सेठ ने छुड़ाया और कैसे उनकी जागनी हुई कैसे तेजबाई माता जी का की जागनी हुई कैसे उनके द्वारा बहुत सारे सुंदर का आगमन हुआ वो सारी बीतक सुनाई अब इस तरह ठट्ठानगर में जिन जिन सुंदर साथ को पता चला कि श्री जी आए हैं वे सभी श्री जी के दर्शन के लिए आने लगे कुछ दिन तक ठट्ठानगर में रहने के बाद अब श्री जी वहां से निकलते हैं क्योंकि आगे जागनी करनी है जब श्री जी ने पहले ही ये सोच लिया कि एक ही स्थान पर रुके नहीं रहना है ठट्ठानगर में तो जागनी पहले भी हो चुकी है तो इसलिए अब निकलने का विचार कर रहे हैं तो जितने सुंदर साथ ठट्ठा नगर के हैं उनके साथ में मटहरी नाम के जो स्थान के भी कुछ सुंदर साथ जुड़ते हैं कहते हैं जिन चर्चा सुनी धाम की जाके धनिए पकड़े हाथ धाम धनी जिनका हाथ पकड़ते हैं उन्हें ही श्रीजी के मुखार से ऐसी दिव्य चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है अब उन सब सुंदर साथ के नाम यहाँ पर बता रहे हैं मैं सब सुंदरसात के नाम नहीं पढ़ रहा हूँ केवल प्रसंग बता रहा हूँ इस तरह नगर के साथ मटहरी के साथ आए फिर मटोद नाम का एक स्थान है वहां पर श्री जी पहुंचे वहां भी श्री जी की अलौकिक चर्चा हुई और नगर में बैठे बैठे श्री जी ने नौतनपुरी में एक चिट्ठी भिजवाई उस संदेश में लिखवाया कि बिहारी जी महाराज हम इस इस तरह से जागनी यात्रा के लिए निकले यहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं और अब हम यहाँ से नगर से आने वाले हैं तो हमारी इच्छा है कि हम कच्छ आने वाले हैं आप भी कच्छ पधारें ताकि एक बार मिलना हो जाए इस तरह उन्होंने चिट्ठी में सारी बात बताई कि मस्कत बंदर में कैसे सुंदर साथ की जागनी हुई अब्बासी बंदर में कैसे जागनी हुई अन्य अन्य शहरों में जहां जहां पर भी गए उन सबके विषय में बताया ठठानगर के चिंतामणि जी के विषय में बताया तो ये सारी चिट्ठी लिख करके जब पहुंचाई बिहारी जी को तो बिहारी जी ने मना कर दिया क्योंकि वो सोचते थे कि घर बार छोड़ करके बाहर निकलना मेरा काम नहीं है उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो नहीं आ पाएंगे अब इधर श्री जी ने जैसे ही चिट्ठी लिखी लिख करके क्योंकि उनको तो उम्मीद है कि बिहारी जी आने वाले हैं ठठानगर के सुंदर साथ को उन्होंने विनती किया निवेदन किया कि बिहारी जी कच्छ आने वाले हैं तो उनके पहुंचने से पहले हमारा पहुंचना आवश्यक है लेकिन सुंदर साथ रजा ही नहीं दे रहे थे ऐसे मना करते 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 एक महीना और बीत गया एक महीने के बाद श्रीजी वहां से निकले लक्ष्मणपुर नामक स्थान पर पहुंचे और वहां जा करके जो भी सुंदर साथ जो भी ब्रह्मात्मा माया में फंसी थी उनको चर्चा सुना करके निकाली वहां से जो वहाँ जो चर्चा हुई उसकी भी खबर लिख करके चिट्ठी में नौतनपुरी भेजी अब श्रीजी जी ठट्ठानगर से लक्ष्मणपुर होते हुए पहुंचते हैं नलिया नामक स्थान में नलिया में एक सुंदर साथ रहते थे उनका नाम था धारा भाई धारा भाई जी ने जैसे ही ये खबर सुनी कि श्री जी साहब यहाँ पर आए हैं तो दौड़े दौड़े गए जाकर के श्रीजी को प्रणाम किया और अपना किस्सा सुनाया अपनी कहानी पूरी सुनाई उन्होंने कहा कि मैं खम्बालिया में रहता था जहाँ पर मस्कत बंदर से सुरजी भाई आए थे सुरजी भाई ने आकर के अब सब सुंदर साथ को जगाना शुरू किया ज्ञान दिया और वहां मेरी भी जागनी हुई लेकिन राज्य की मेहर से मेरे घर में वृद्ध लीला होने लगी वृद्ध लीला किसे कहते हैं प्रकार की लीला है बाल लीला किशोर लीला और बुढ़ापन की लीला अथवा वृद्ध लीला विशेष रूप से ब्रजमंडल में जो लीला हुई वह जी के द्वारा जो नटकट, नटखट नटखटपन की जो लीला हुई वह बाल लीला है किशोर अवस्था में प्रेम की प्रधानता होती है बच्चे के जैसा नटखटपन भी नहीं होता और बुजुर्गों की तरह ज्ञान भी नहीं होता किशोर अवस्था प्रेम प्रधान होता है तो राष्ट्र की जो लीला हुई प्रेम की उसको किशोर लीला कहा गया है और वृद्ध लीला किसे कहते हैं व्ययोवृद्ध अवस्था में पूरे जीवन भर का अनुभव होता है इसी तरह से जागनी के ब्रह्मांड में हमें ब्रज की लीला का भी अनुभव है वाणी कहती है ना तीन लीला चौथी घर की इन चारों को या में भोग तो ब्रज लीला का अनुभव भी यहाँ दे रहे हैं लीला का भी अनुभव दे रहे हैं धाम में होने वाली लीलाओं का भी अनुभव दे रहे हैं तो जो जागनी की लीला है ज्ञान वाली उस लीला को कह रहे हैं वृद्ध लीला अब धाराबाई कहते हैं कि मेरे द्वारा जागनी होनी शुरू हुई वहां मुझे आवेश आता था मोको आवे तहा आवेश दिन में होवे दीदार मैं श्रीराज की बातें सब कहूं श्री धाम लीला विस्तार कि मुझे वहाँ पर राज्य का आवेश आता था और राज्य का दर्शन भी होता था सुंदर साथ को भी दर्शन होना शुरू हुआ मैं राज्य की बातें कहता था परमधाम की लीला के विषय में बताता था जब ऐसा होने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ जिस तन से राज्य की कोई लीला हो रही है तो सुंदर साथ उसको भाव देते हैं उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं तो सुंदर साथ मेरी पूजा करने लग गए मेरा सम्मान करने लग गए मुझे गादी बिछा करके बैठाने लग गए सब सुंदर साथ मेरी सेवा करने लग गए क्योंकि जहाँ कृपा हो गई राज की तहाँ साथ सब पूजे सब सुंदर साथ पूजा करते थे अब ये बात जब बिहारी जी को पता चली तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा क्या कहते हैं एक कैसी राह चली भाई माया शामिल सबन बिहारी जी ने क्या कहा कि ये तो सब में माया घुस गई है कैसी राह चलाई है कैसा रास्ता इन्होंने चलाया है श्री देवचंद्र जी ने जो इतना अच्छा धर्म चलाया था ये बिहारी जी की सोच की मैं बात बता रहा हूँ बिहारी जी सोच रहे हैं कि श्री जी ने इतना अच्छा धर्म चलाया था और ये तो पंथ कैसा हो गया ये तो नीची जाति वालों का छोटी जाति वालों का पंथ हो गया ये पंथ गोलों का हुआ सब में नाम अब सब लोगों में ये बदनामी हो जाएगी कि ये तो छोटी जाति वालों का है क्योंकि उस समय की तत्कालीन दृष्टि से धारा भाई जी तथाकथित तो छोटी जाति में आते थे अब यहाँ चूंकि प्रसंग चला है तो यह बताना मेरा कर्तव्य है कि पूरे संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें कहीं पर भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जाति का नाम नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि को वर्ण कहा गया है जाति अगर है तो मनुष्य जाति पशु जाति है पक्षी जाति है फिर प्राणियों में भी अलग अलग विभाजन कर दिया है समान गुणधारी अथवा समान लक्षणधारी व्यक्तियों के समूह को अथवा पशुओं के प्राणियों के समूह को जाति कहा जाता है समान प्रसवात्मिका जाति जैसे मनुष्य समान है सभी मनुष्य आप देखते ही बता देंगे कि ये मनुष्य है क्यों <coughs> क्योंकि उनमें कुछ चीजों की समानता है फिर पशुओं की बात की जाए तो पशुओं में पशु जाति हो गई फिर उनमें उपजातियां हैं जैसे गाय है भैंस है मांसाहारी और शाकाहारी के दो अलग अलग भेद हो गए फिर उनमें भी अलग अलग तो जाति केवल इस प्रकार की है ब्रह्मवाणी तो क्या कहती है जात एक खसम की और न कोई जात एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात जिन चार वर्णों की बात की है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनमें भी जन्म के आधार पर नहीं है यह जो विभाजन है वह जन्म के आधार पर नहीं है अलग अलग प्रकार के काम डिवाइड किए गए हैं काम बांट दिए गए हैं उनमें से जिसकी रुचि अथवा जिसकी क्षमता जिसमें है उन क्षमताओं के हिसाब से वर्ण है चार वर्ण जैसे मैंने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जब जन्म लेते हैं तो सब शूद्र होते हैं शूद्र किसे कहते हैं अज्ञानी को गीता क्या कहती है जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात द्विज उचते जब पैदा होते हैं तो सब शूद्र होते हैं आप में से सभी शूद्र पैदा हुए हैं मैं भी शूद्र पैदा हुआ हूं पर यदि हमने संस्कार प्राप्त किए हैं तो हम द्विज हैं द्विज मतलब जिसका जन्म दो बार होता है माता के गर्भ से सब जब जन्म लेते हैं तो अज्ञानी ही होते हैं जिसका दोबारा जन्म हुआ है ज्ञान और संस्कार से तो वह द्विज है और जो उम्र के एक पड़ाव तक भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाता है बिल्कुल अज्ञानी रह जाता है तो उसे शूद्र कहा जाता है ब्राह्मण के छह कर्म बताए गए हैं वेदों का पढ़ना पढ़ाना यहां वेद का तात्पर्य ज्ञान से ज्ञान लेना और देना ब्राह्मण का धर्म यज्ञ करना कराना यज्ञ का मतलब केवल आग में आहुति देना नहीं यज्ञ के बहुत सारे तात्पर्य हैं ये जो हम यहां बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं सुना रहे हैं यह भी यज्ञ है क्या कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं समाज में होने वाले वे सभी यज्ञ ही है आप पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं आप बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं ये सभी यज्ञ में ही आता है बलि वैश्वेव यज्ञ है अतिथि यज्ञ है द्रव्य यज्ञ है यज्ञ के विभिन्न प्रकार हैं तो यज्ञ करे और कराए चार काम हो गए ज्ञान लेना देना यज्ञ करना कराना और दान लेना तथा दान दिलाना ये क्यों इसको दान लेना और दिलाना इसको लोगों ने बहुत नकारात्मक रूप में लिया है वास्तव में दान मांगना सरल नहीं होता है आप किसी दिन सरसावा जाकर के ऐसे भी नहीं अपने लिए भी नहीं मांगना है रसीद बुक लेकर के जाइए सरसावा में और सरसा बजा करके बोली कि जैनपीठ में सेवा की आवश्यकता है हम आपको रसीद काट के देंगे ए का लाभ मिलेगा इतना करने में भी आपको शर्म आएगी पर जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है स्वयं कमाने के लिए नहीं सोचता है और केवल समाज को ज्ञान देना मार्गदर्शन देना समाज के लोगों को ज्ञान दे करके योग्य बनाना अपना जीवन उसमें ही लगा देता है तो उसको यह स्वतः अधिकार प्राप्त है कि उसको आवश्यक पदार्थ समाज से मांग सकता है वह क्योंकि संग्रह नहीं कर सकता ना उसको संग्रह करने का अधिकार नहीं है तो यह उस व्यक्ति का त्याग है तो जिसके अंदर ऐसी त्याग की भावना है वह ब्राह्मण है इसी तरह से जिसने जिसने भी समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध समाज की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए अपने राज्य की रक्षा करने के लिए बल का प्रयोग करना स्वीकार किया युद्ध विद्या सीखी ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जाता है और जिसने समाज के विकास के लिए व्यापार के मार्ग को चुना क्योंकि व्यापार का भी तो समाज में बहुत बड़ा योगदान होता है हम कोई भी पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं व्यापार ही तो उसमें मुख्य केंद्र है व्यापार के बिना समाज चल ही नहीं सकता तो जिसने व्यापार का कार्य करना चुना उसको वैश्य कहेंगे और जिसको न व्यापार आता है किसी भी तरह का जिसमें न क्षत्रिय के जैसी वीरता की भावना है और जिसके पास न ब्राह्मण के जैसा ज्ञान है त्याग की प्रवृत्ति है अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा ऐसा व्यक्ति करेगा मजदूरी क्योंकि उसके पास ज्ञान भी नहीं है वीरता भी नहीं है तो जो भी लोग मजदूरी का कार्य करते हैं वर्तमान हिसाब से उन्हें शूद्र कहा जाएगा पर ऐसा नहीं है कि यहां अछूत वाली कोई बात नहीं है अब इसके बाद ये चार वर्ण मैंने बताए उसके बाद प्रसंग आता है कि अछूत किसको कहते हैं छूत और अछूत क्या होता है देखिए पहली बात तो ये कि वर्ण के आधार पर जन्म के आधार पर अछूत होना कहीं पर भी नहीं लिखा है उपनिषदों में और पौराणिक ग्रंथों में सात प्रकार के लोगों को अछूत कहा गया है जैसे बीतक में प्रसंग आया है ना पीना तमकू छोड़ दो मांस मछली सब शराब और सब के पर्दारा चोरी न कब तो जो मांस मछली का सेवन करता है जो परस्त्री गमन करता है जो चोरी करता है जो झूठ बोलता है जो ब्रह्म हत्या करता है ब्रह्म हत्या मतलब ज्ञानी व्यक्ति की हत्या करता है है ना इस तरह से सात प्रकार के लोग हैं जिनको कहा गया अछूत है आज समाज में जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग होंगे वे हत्यारों हत्यारों के साथ भी संबंध रखते हैं चोर उचक के गुंडे सबके साथ संबंध रखते हैं पर केवल जन्म के नाम पर कुछ वर्णों को हेय समझते हैं हीन और अछूत समझते हैं ये धर्म नहीं है देखिए जन्म के आधार पर कोई भी अछूत नहीं होता है कोई भी शुद्र नहीं होता है यहां तक विधान दिया है वेदों ने हमारे शास्त्रों ने सामान्य रूप में तो नियम ये है कि जब बालक पाँच वर्ष पूरा हो जाए तो छठे वर्ष में उसे गुरुकुल में प्रवेश करा देना चाहिए अथवा आजकल तो गुरुकुल की परंपरा बंद हो गई है परंतु फिर भी हमें विद्यालय में उनको भेजना चाहिए विद्याग्रहण के लिए यदि ऐसा नहीं भी हो पाता है कोई व्यक्ति 20-21 साल तक भी अज्ञानी रहे उसके बाद भी ज्ञान सीखे तब भी वह ब्राह्मण बन सकता है ऐसा विधान है और कहीं कहीं पर तो यह भी बताया गया है कि 40 41 वर्ष तक भी जाकर के कोई व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण से पैदा हुआ तो ब्राह्मण ही होगा कुल में उत्पन्न हुआ है तो वह शूद्र ही होगा हमारे परंपरा में देखिए रावण किसके घर में पैदा हुआ है ऋषि के कुल में ना ब्राह्मण का पुत्र था वह पर क्या कहलाया राक्षस और राक्षस तो ऐसा कि कोई शूद्र व्यक्ति भी जिसको समाज में हेय कहा जाता है शूद्र भी ब्राह्मण को यह नहीं कहेगा कि यह हमारे कुल का है लेकिन बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जो कोई शूद्र कुल में उत्पन्न हो रहा है कुछ लोग कहते हैं नारद जी के विषय में कि ये तो स्वर्ग के कोई हैं ऋषि हैं जो सबका एंटरटेन करते हैं क्योंकि टीवी में ऐसा दिखाया गया है जबकि नारद तो इसी संसार में ही पैदा हुए शूद्र कुल में उत्पन्न थे नारद उपनिषद में एक महान ऋषि का वर्णन आता है जाबाली सत्यकाम जाबाली कहा जाता है और उनके तो माता पिता का ही पता नहीं माँ का पता है पर पिता का पता नहीं कि ये किसके पुत्र हैं उस समय जो नगरवधु होती थी आज के समय में जिसको वेश्या कहा जाता था ऐसे स्त्री के पुत्र थे जाबाली लेकिन अपने कर्म से वह ऋषि कहलाए विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न थे और ब्रह्मर्षि कहलाए इसी तरह जो ब्राह्मण जन्म के आधार पर श्रेष्ठ होने का गौरव भरते हैं दम भरते हैं वो आधार देते हैं पुराणों का पुराण किसने लिखे व्यास जी ने आप ही की मान्यता के हिसाब से पुराण व्यास जी ने लिखे व्यास जी किसके पुत्र हैं पराशर ऋषि और एक मछुआरे की कन्या है मल्लाह की कन्या उससे उत्पन्न हुए व्यास जी उनको सूत पुत्र कहा जाता है सूतपुत्र केवल कर्ण नहीं है आप लोगों ने क्योंकि रामायण या महाभारत के टेलीविजन में ऐसा आधा अधूरा ज्ञान लिया है आधी अधूरी जानकारी ली है सूतपुत्र बहुत सारे ऐसे हैं सूत मतलब शूद्र ही होता है अब बताइए और दूसरा मैं अछूत की बात कर रहा था अछूत किसे कहते हैं जिसको छूने से पाप लगता है अथवा जिसको छूने से नुकसान होता है मैंने सात प्रकार के लोग बताए जिनको नहीं छूना चाहिए जो झूठी गवाही देता हो जो चोरी करता हो जो हत्या करता हो जो मांस या किसी प्रकार के नशे का सेवन करता हो शराब पीता हो ऐसे सात प्रकार के पातकी बताए हैं जिनके साथ न भोजन का व्यवहार करना चाहिए न बोलचाल करना चाहिए पूरे समाज को ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए ये अछूत हैं। और दूसरा सांप है बिच्छू है इनको छुएंगे तो ये डंक मारेंगे इसलिए ऐसे प्राणियों को भी नहीं छूना चाहिए ये भी अछूत हैं अन्यथा इनके अलावा मनुष्य को छूने से पाप नहीं लगता है महाभारत आपने पढ़ी होगी महाभारत में यज्ञ का प्रसंग आता है युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ कराया था तो वहां भोजन बनाने वाले कौन होते थे सब सूत होते थे शूद्र होते थे शूद्रों का काम था भोजन बनाना ब्राह्मणों का काम था उस भोजन को खाना आज लोगों ने क्या कर दिया ब्राह्मण कहते हैं कि हम इनका छुआ नहीं खा सकते बहुत सारे ब्राह्मण तो कहते हैं कि हम या तो ब्राह्मण का ही छुआ खाते हैं या बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे जो कहते हैं कि नहीं हम दूसरे ब्राह्मण का भी छुआ नहीं खाएंगे हम तो अपना ही बनाया हुआ खाते हैं जबकि ब्राह्मण का समय सबसे अधिक कीमती होता है क्यों क्योंकि उसको ज्ञान का प्रचार करना है वो खुद इस पाखंड में लगा रहेगा इस आडम्बर में लगा रहेगा तो समाज का प्रचार कब करेगा और ब्राह्मणों में भी आज देखें कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं कहते हैं कि हम उनसे छोटे ये उनसे बड़े मैं उनसे बड़ा ऐसा कह कह करके अब तो कम से कम हजार के आसपास उपजातियां हैं उपवर्ण हैं कौन किसे बड़ा ये कहाँ लिखा है किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि कौन सी जाति या कौन सा वर्ण किससे बड़ा है या किससे छोटा है सभी धर्मग्रंथ यही कहते हैं कि जन्म से सब शुद्ध हुए हैं और ज्ञान प्राप्त करके संस्कार प्राप्त करके कोई द्विज होता है अब हम खुद तय कर लें यदि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के भी आपके अंदर ये छह कर्म नहीं है आज बहुत सारे ब्राह्मण जॉब करते हैं ना नौकरी करते हैं मजदूरी वाली तो मजदूरी अगर आप कर रहे हैं तो आप शुद्ध हैं अछूत में नहीं कह रहा हूं अछूत तो, तो कोई है ही नहीं अछूत तो वो है जो पापी हैं पर शूद्र की मैं बात कर रहा हूँ तो जो जितने भी लोग मजदूरी कर रहे हैं वो चाहे किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो वह शूद्र हैं जितने लोग डिफेंस में हैं वर्तमान समय के हिसाब से जितने भी लोग डिफेंस में हैं चाहे पुलिस में हो चाहे फौज में हो कहीं पर भी हो यदि आप हैं तो आप क्षत्रिय हैं और किसी भी कुल में उत्पन्न होकर के आप ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हो जितने भी आज के अध्यापक इत्यादि हैं यदि सच्चे हृदय से विद्या को बांट रहे हैं तो ब्राह्मण हैं और विद्या का बिजनेस कर रहे हैं तो फिर वैश्य है आज के युग में सबसे बड़ा बिजनेस दो चीज़ों का है एक हेल्थ एक एजुकेशन आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं चाहे आप किसी भी कुल में उत्पन्न हुए हों ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है आप वेदों में कहीं पर भी जाति शब्द नहीं पाएंगे दर्शन उपनिषद में कहीं पर भी जाति शब्द नहीं पाएंगे सब जगह पर केवल वर्ण है और अछूत के विषय में तो कहीं पर है ही नहीं और इसी विषय में अभी आने वाले वार्षिक उत्सव में दो पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही हैं मुझे लगता है कि पूरे समाज में बहुत ही उपयोगी होने वाला है क्योंकि आज समाज में आज भी 21वीं शताब्दी में भी और यहां तक कि मैं देखता हूँ सुंदर साथ में भी ये भावना है बहुत सारे सुंदर साथ में अब मुझे लगता है कि जब ब्रह्मवाणी प्राप्त करने के बाद हम स्वयं में परिवर्तन नहीं ला सकते तो दुनिया से क्या अपेक्षा रखेंगे बहुत सारे सुंदर साथ होते कहते हैं हम वैसे तो जाति नहीं मानते पर हमारी बेटी जाएगी तो राजपूतों में ही जाएगी ये क्या है कुछ लोग ऐसे अलग अलग प्रकार के जातिवादी हैं कुछ कहते हैं कि हम खाने का नहीं मानते पर शादी का मानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम खाने का और शादी का नहीं मानते पर घर के अंदर नहीं आने देते अलग, अलग अलग प्रकार के जैसे वेजिटेरियन की वैरायटी है ना इंडिया में अलग अलग, अलग प्रकार की के, कुछ कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते पर अंडा खाते हैं ऐसे वेजिटेरियन है कुछ लोग कहते हैं कि हम वो ग्रेवी ग्रेवी खाते हैं वैसे मांस नहीं खाते ऐसे वेजिटेरियन है ऐसे ही जातिवाद न मानने वाले भी कुछ इस तरह के हैं यदि सुंदर साथ होकर के भी अभी भी हम में किसी भी प्रकार की वर्ण वाली संकुचित मानसिकता है जातीय भेद है तो समझ लीजिए कि हम अभी सुंदर साथ नहीं बने हैं केवल तारतम लिया है और ठप्पा लगवाया है पर में सुधार नहीं है इसलिए मैं सभी सुंदर साथ से आग्रह करूंगा सुंदर साथ में भी मैं देखता हूं और जब उनको कहा जाता है तो कहते हैं कि समाज ही ऐसा है क्या करें हमें समाज के हिसाब से चलना पड़ता है या तो आप राज्य देखिए या आप समाज को देखिए जब वाणी कह रही है चंडाल हृदय निर्मल खेले संग भगवान देखा वे नहीं काहू को गोप राखे नाम विप्रभेश बाहर दृष्टि खट कर्म पाले वेद श्याम खिन सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेद अब बताइए एक चंडाल है जिसके हृदय में परमात्मा का वास है और एक ब्राह्मण है जिसको शाब्दिक ज्ञान तो है पर हृदय में ज्ञान हृदय में प्रकाश नहीं है उस चीज का जो केवल बाहरी कर्मकांडों का पालन करता है तो दोनों में से किसको छूने पे छूत लगेगा अब कहो काके छुए अंग लागत है छोत अधम तम विप्र अंगे चंडाल अंग उद्योत कहते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के भी यदि उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है यदि उसमें विवेक का प्रकाश नहीं है यदि उसके हृदय में परमात्मा का वास नहीं है तो वह अधम है नीच है और यदि कोई चंडाल के घर में उत्पन्न होकर के भी उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है परमात्मा का वास है तो वह प्रकाशित है उसका हृदय प्रकाशित है इतना जान करके के भी और ये सुन करके कि जात एक खसम की और न कोई जात एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात आगे भी तक में और भी प्रसंग आने वाले हैं तो इतना होने पर भी यदि हमारे अंदर से जातीयता नहीं गई तो दुनिया में ज्ञान फैलाने का ढिंडोरा पीटना व्यर्थ है पहले हमें स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है समाज क्या करेगा अच्छा समाज में कौन लोग आते मुझे समझ में नहीं आता जैसे मैं जातिवाद को नहीं मानता तो क्या मैं समाज नहीं हूं फिर आप कौन से समाज का हवाला दे रहे हैं आप यदि सही रास्ते पर चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दो चार लोग होंगे विरोध करने वाले वो तो तब भी करेंगे आप कितना भी अच्छा कर लेंगे आप उनके हिसाब से भी चलेंगे तब भी समाज तो ऐसा है कि आपने उसके लिए अपना ऐसे दिल निकाल करके रख दिया ना सामने थाली में तब भी बोलेगा कि मुझे ना ये ये वाला ब्लड ग्रुप जमता नहीं है मुझे तो दूसरे वाला ब्लड ग्रुप चाहिए था ये वाला कलर नहीं चाहिए मुझे दूसरा कलर चाहिए तो समाज नुक्स निकालेगा आप अपने हिसाब से धर्म के रास्ते पर सही चलिए ना और आज की युवा पीढ़ी इस चीज को नहीं मानती है जन्मना जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती मानते कौन लोग हैं जो पुराने ख्यालात वाले हैं और वह हाँ भी कहते हैं कि नहीं हम खुद तो नहीं मानते पर समाज के सामने हमें चलना पड़ता है समाज हमारा बहिष्कार कर देगा आप भी समाज हो आप बहिष्कार करो ना यदि आप सही हो तो आपको डरने की आवश्यकता क्यों है फिर आप भीड़ देखते हैं कि उनकी तरफ जनसंख्या है ज्यादा है हमारे तरफ कम है पांडवों की भीड़ सात अक्षिणी की थी और कौरवों की ग्यारह अक्षिणी की थी कृष्ण ने भीड़ देख करके धर्म को नहीं चुना कृष्ण ने धर्म देखा इतना समझने के बावजूद भी अगर आपको उसी रास्ते पर जाना है फिर तो तमें तमारी माया माहे सहजे भोगव जो सुख पर ये सुंदर सात की, की रहनी नहीं है ये ब्रह्म सृष्टि की रहनी नहीं है जहाँ ब्रह्म सृष्टि है जहाँ परम धाम की आत्मा है चाहे कोई भी वर्ण हो कोई भी जाति हो हमें वहाँ उनका वर्ण उनकी जाति नहीं देखनी चाहिए जो कि हम आगे के प्रसंग में भी सुनेंगे अब बिहारी जी ने तो ये बोल दिया कि ये तो छोटी जाति वालों का धर्म चल गया कोई भी इसको देख करके हमारे धर्म में नहीं आएगा क्योंकि सब देखेंगे कि ये तो छोटी जाति वालों का है अब देखिए एक बिहारी जी की मानसिकता के हिसाब से भी देखा जाए तो वो कौन सी जाति के थे लौकिक हिसाब से देखा जाए तो कायस्थ का मतलब वैश्य ही होता है क्षत्रिय भी नहीं वैश्य तो वैश्य से ऊपर तो ब्राह्मण आते हैं क्षत्रिय आते हैं उस हिसाब से तो जितने ब्राह्मण सुंदर साथ थे उनको तारतम ज्ञान लेना ही नहीं चाहिए पर बिहारी जी में यह सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है एक दस वर्ष के बालक जितनी भी शक्ति नहीं है इसीलिए वे इस तरह की बात करते हैं उन्होंने क्या किया नागजी भाई को एक पत्र लिखा नागजी भाई को बुलाया और एक पत्र लिखवाया सूरजी भाई के नाम से और उसमें लिखा कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र नौतनपुरी आओ अब पाती पढ़कर के तुरंत ही सूरजी भाई पहुंचे भागे भागे गए बिहार जी से मुलाकात करी उनको पता तो चल गया था उनको ये अंदेशा हो गया था कि ये धारा भाई के लिए ही कुछ कहने जा रहे हैं और बात भी वही हुई वो अभी तक तो चुप थे पर बिहार जी ने पूछ लिया कि सुंदर साथ की खबर कैसी है वहाँ पर अब घुमा फिरा करके पूछा ये तो खुश होकर के बताने लग गए बह गए प्रवाह में उन्होंने कहा कि बिहार जी महाराज हम पर तो राज्य की बहुत मेहर है वहां तो जी दर्शन दे रहे हैं इस तरह से जागनी कर रहे हैं अब जैसे ही ये बात सुनी बिहार जी कहते हैं तब बिहारी जी खंडनी करी तुमको माया लगी जोर कहते आपको जोरदार माया लगी है आपके घर में जी ने नहीं कलयुग ने वास किया है कलयुग ने शोर किया ये जागनी नहीं है इसीलिए तुम चाहते हो कि राज्य की कृपा हो तो जल्दी से जल्दी धाराबाई को सुंदर साथ से निकाल दो और समाज से भी बहिष्कृत कर दो और धारा भाई को ही नहीं पूरे परिवार को निकाल दो और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम तुम्हें निकालेंगे यदि तुम्हारी हम, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अब जब सूरजी भाई ने ये सारी बातें सुनी तो धारा भाई से वह दुखी हुए फिर कहने लगे कि हमें तो परमधाम में जाना है हमें बारह हजार में शामिल होना है हम क्यों धारा भाई को रखेंगे हम उन्हें निकाल देंगे धामधनी बिहारी जी महाराज हम पर इतनी कृपा कर दीजिए कि हमें बारह हजार में ही शामिल रखिए हमें बाहर मत निकालिए अब इस तरह से बातचीत करके सूर्जी भाई खंबालिया पहुंचे और धारा भाई को परिवार के सहित निकाल दिया सब सुंदर साथ में आपस में बात की और ये निष्कर्ष निकाला गया कि धाराबाई और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत किया जाता है अब उनकी धाराबाई की जो पत्नी थी बेटी थी वे सब भी ये अर्जी करने लग गए कि चलो धाराबाई ने तो चर्चा करने का गुनाह किया है पर हमने क्या अपराध किया हमें तो कम से कम सुंदर साथ सुंदर साथ में शामिल रखो तो उन्होंने सुंदर साथ ने क्या किया कि बिहारी बिहारी जी का आदेश नहीं है आपको यदि सुंदर में शामिल होना है तो नौतनपुरी जाइए बिहारी जी महाराज यदि सुंदर पे में ले लेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है अब सभी सुंदर साथ धारा बाई परिवार नौतनपुरी गए नौतनपुरी जा के बहुत विनम्र निवेदन किया बहुत प्रार्थना की रोध होकर के विनती की लेकिन बिहारी जी का दिल नहीं पिघला तो वहाँ से कहते हैं रोए धोए पीछा फिरा आज मोहे बरस भया एक आज मुझे एक वर्ष बीत गए हैं हमने जितना रोना था हम रोए वहाँ पर जितनी विनती कर सकते थे उतनी किए पर किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी और तब मैंने सोचा कि एकमात्र उपाय यही है कि आप हमारी सिफारिश सिफ़ारिश कर दें इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था आप इतनी कृपा कर दें तो मुझे धामधनी के चरण कमल प्राप्त होंगे मुझे सुंदर साथ में शामिल किया जाएगा इसलिए अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है आप जैसा उचित समझते हैं वैसा कीजिए अब मैं कहीं और नहीं जा सकता धाराबाई की ये बात सुनकर श्रीजी ने उन्हें सांत्वना दिया कि आप शांत रहिए बिहारी जी महाराज आने वाले हैं तो मैं उनसे बात करूंगा धाराबाई ने जब ये बात सुनी तो उनको लगा कि जब बिहारी जी महाराज आएंगे उनके आने की खबर मैं सबसे पहले श्री जी को दूंगा ऐसा करने से क्या होगा पुराने समय में जितने भी बड़े लोग होते थे वो जो कोई भी खुश खबरी लेकर के आता था तो उसको बख्शिश दिया करते थे तो धारा भाई ने सोचा कि मुझे भी जब बख्शिश देने वाले होंगे तो मैं यही इच्छा रखूंगा यही मांगूंगा कि मुझे सुंदर साथ में शामिल किया जाए ऐसा सोचकर धारा भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं अब उधर बिहारी जी को जो पत्र भिजवाया गया है पहले चिट्ठी का तो जवाब दे दिया कि हम नहीं आ सकते फिर श्री जी ने दूसरी चिट्ठी लिखवाई दूसरी चिट्ठी में लिखाया कि बिहारी जी महाराज हम इस तरह से जागनी के लिए निकले हैं और हमारे पास अब्बासी बंदर के सुंदर साथ के दिए हुए बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र हैं आभूषण हैं पैसा है अब हम कहाँ कहाँ इनको लेते फिरे हम चाहते हैं कि आपके चरणों में इसे समर्पित करके आगे जागने के लिए निकले अब जैसे ही धन की बात सुनी संपत्ति की बात सुनी बिहारी जी के तीसरे नेत्र खुल गए तो बिहारी जी ने क्या कहा कि हम आ रहे हैं हमें पता है कि तुम हमारे बिना नहीं रह सकते तो हम तुम्हें विरह में नहीं रखेंगे तुम्हें दुखी नहीं करेंगे हम आ रहे हैं अब बिहारी जी चले नाव पर बैठ करके मंडई नामक बंदरगाह में उतरे जिसको वर्तमान में मांडवी कहा जाता है जागनी यात्रा के दौरान कुछ सुंदर साथ भी गए थे तो वहाँ पर बिहारी जी पहुँचे जैसे ही मंडई में उतरे अब धारा भाई तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं खुशखबरी दूँ वे दौड़े दौड़े गए श्री जी के पास आकर के खुशखबरी दे दी कि बिहारी जी महाराज पहुंचे हैं श्री जी सुन करके खुश होकर बख्शिश देने लग गए तो धारा भाई जी ने कहा कि मुझे और कोई बख्शिश नहीं चाहिए बस यही चाहता हूं कि मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम कर पाऊं और वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और हमें परिवार सहित सुंदर साथ में शामिल करें मौको ले वो साथ में दाखिल करो इस्लाम मेरे दिल यही रहे तुम पूरो मनोरथ काम मेरे हृदय में यही कामना है आप मेरी इस कामना को पूरा कर दीजिए अब इस समय सूरत से भी साथ में ही कुछ सुंदर साथ आए आठ लोग थे जो श्री जी का दर्शन करने के लिए आना चाहते थे और बिहारी जी के साथ में भी संघ जी अखई बाई लाला ये कुछ चार सुंदर साथ हैं श्री जी के साथ में तेज कुंवारी जी हैं रूपाबाई है, है राधाबाई है और ठठानगर से जो सुंदर साथ चला था श्रीजी के सानिध्य में वे सब भी हैं तो ऐसे काफी सारे सुंदर साथ हैं मांडवी से अथवा मंडई से बिहारी जी की अगवानी की जाती उनको स्वागत करके नलिया शहर में पहुंचते हैं बिहारी जी का स्वागत किया सब सुंदर साथ ने प्रणाम किया और वहाँ नलिया में एक कामदार रहते थे जिसके साथ श्री जी की लौकिक जान पहचान थी एक, एक ही वर्ण का होने के नाते तो लौकिक संबंध से उन्होंने एक जगह दे दी एक हवेली दे दी रहने की वहाँ बिहारी जी को ठहराया जाता है सुंदर साथ उनकी सेवा करने लगते हैं और श्रीजी साहब अब अपनी बीतक बताने लगते हैं क्योंकि जूनागढ़ से जो चले थे आगे अहमदाबाद होते हुए जो जागनी का कार्य श्रीजी कर रहे थे दीप बंदर से होते हुए इसको काफी वर्ष बीत चुके थे दीप बंदर में कैसे जागनी होती है मस्कत में जागनी कैसे होती इधर लाठी बंदर में नगर में ये सारी बीतक श्रीजी सुनाते हैं अब बिहार जी को इनसे कोई रुचि नहीं थी वो तो आए क्यों थे जब धन संपत्ति की बात सुनी तभी वो आए थे उनको बाकी चीजें से कोई लेना देना ही नहीं था वो तो अंदर ही अंदर हंसने लग गए इस तरह सब सुंदर सा था। जी को तो कितना आनंद आना था वो तो उनके अंकुर के हिसाब से ले रहे थे पर बाकी जो सुंदर साथ आए थे सूरज से आने वाले सुंदर साथ थे अन्य अनेक जगहों के सुंदर साथ थे सबको सुख मिल रहा था अब वहीं पर उत्सव रसोई होने लगी सुंदर साथ भोजन की सेवा करने लग गए श्रीजी साहेब सब सुंदर साथ को चर्चा सुनाने लग गए और कुछ सुंदर साथ को अकेले में एकांत में बैठा करके उन्होंने समझाया जैसे रूपाबाई है राधाबाई हैं उनको सिखापन दिया पूरी हिदायत दी कि आपको बिहारी जी की सेवा करनी है और ऐसे सेवा करनी है जैसे कि इनमें साक्षात राज्य विराजमान है इनकी आज्ञा को मेरी आज्ञा समझ करके पालन करना है तो मैं समझ लूँगा कि तुमने मेरा ही काम किया है और यदि इन इनके आज्ञा का पालन नहीं किया तो समझ लो कि मेरी आज्ञा भंग की है फिर मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, तुम मेरा नाम भी मत लेना इस तरह से सिखापन दी। अब श्रीजी बिहारी जी के साथ बैठकर मसलहत विचार विमर्श करने लगते हैं भविष्य के विषय में बात करने लगते हैं कि हमें क्या करना है जागनी कैसे करनी है अब बिहारी जी को तो कुछ करना था नहीं केवल सुनते हैं मन ही मन मुस्कुराते हैं अब साथ ही क्योंकि श्री जी चाहते हैं कि बिहार जी इतने प्रसन्न हो जाएं, इतने खुश हो जाएं कि जब ये खुश हो, तो मैं धारा भाई की विनती कर सकूं, उनकी अर्जी लगा सकूं। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी वस्त्र आभूषण दिए थे अब्बासी बंदर में आते हुए वो सारे वस्त्र आभूषण बिहारी जी महाराज के सामने रखे नगद भी रखे केवल जो पहनने वाले कपड़े थे जो श्री जी ने धारण किया हुआ था ऐसे वस्त्र के अलावा बाकी अपने पास कुछ भी नहीं रखा सारा का सारा बिहारी जी को सौंप दिया बाइजीराज जी के भी जो आभूषण थे और श्रृंगार के वस्त्र इत्यादि थे वो सभी दे दिए और जब उनको लगा कि बिहारी जी का मूड अब थोड़ा ठीक है उनकी मनोदशा थोड़ी ठीक है तो उन्होंने धारा भाई की विनती की कहते हैं आए आगे अरज करिए धारा साथ में दाखिल होए इनका हूं मैं रीनिया तुम्हारी दई बधाई सोए कि इन्होंने आपके आगमन की बधाई दी है आपके आग, आगमन की खुशखबरी हमें सुनाई है तो मैं इनका ऋणी हूं इसलिए मैं इनसे वचन हार चुका हूं आपके आने की खबर देने वाले के ऊपर तो जीव भी निछावर कर दिया जाए तब भी बहुत कम है मैं उसके लिए भी तैयार होता पर अभी ये केवल इतना चाहते हैं कि इन्हें आप सुंदर साथ में शामिल कर लीजिए बिहारी जी ने क्या कहा तब बिहारी जी ने कहा ए अरज न सुने हम यह अरज कब ना करियो जिन फेरो मेरा हुक्म कहते तुम बाकी कुछ मांग लो वो अलग बात है देंगे कि नहीं देंगे पर ये वाली बात तो नहीं मानेंगे बिहारी जी कहते हैं कि आगे से कभी भी ऐसी अर्जी मत करना और इसको मेरा हुक्म इसको मेरा आदेश समझना फिर क्या कहते हैं कि इन्होंने तो मेरा दिल दुखाया है इनको मैं किसी भी तरह से सुंदर साथ में शामिल नहीं कर सकता इन्होंने मुझे बहुत दुखी किया है मैं कभी भी इनका हाथ नहीं पकडूंगा। फिर श्री जी ने सोचा कि चलो अभी ठीक नहीं है दो चार दिन और रुक जाते हैं फिर से थोड़ी मनोदशा बदलेगी तो एक बार और प्रयास किया जाए तो दो चार दिन के अंतराल में फिर से एक बार विनती करी कहते हैं कि इनका गुनाह क्या है चलो मान लीजिए कि धारा भाई से गलती हो गई सो हो गई आप उन्हें माफ कर दीजिए लेकिन जो दो बाइया हैं, जो दो दो स्त्रियाँ हैं धारा भाई की पत्नी है उनकी बेटी है कहते हैं काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से साथ से बाहर सोए सुंदर साथ से इन्हें किस गुनाह के आधार पर बाहर निकाल दिया गया और यदि <laughs> धारा भाई ने गुनाह किया भी है तो उनके बदले सबको निकालना नहीं चाहिए ये तो अत्याचार है बी जी ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और तुम बार बार उनकी अर्जी कर रहे हो तुम एक बार नहीं हजार बार भी अर्जी लेकर के आओ तब भी मैं नहीं मानूंगा लाख बार भी लेकर के आओ तब भी मैं नहीं मानूंगा मैं तो कब हूँ न मानो वास्ते उनके जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाब एक ए मेरा यही जवाब रहेगा तुम लाख बार भी कहोगे तब भी मैं उन्हें सुंदर साथ में शामिल नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा अब दूसरे सुंदर साथ श्री जी से लड़ने लग गए कहते हैं आपको पता नहीं है बिहारी जी का स्वभाव कैसा है आप बार बार जिद करेंगे तो हो सकता है आपको भी सुंदर साथ से निकाल दें आपको डर नहीं लगता है इस तरह से सुंदर साथ लड़ने लगते हैं एक अपनेपन के भाव से और इस, इसी बीच क्योंकि रूपाबाई राधाबाई उन्हें भी बिहार जी के स्वभाव का परिचय मिल रहा होता है तो उनके हृदय में भी सेवा की भावना अब नहीं रहती है वो दिल से सेवा नहीं करते हैं। एक श्रीजी ने दबाव दिया है उस दबाव से वे काम तो कर देती हैं पर दिल में कोई भाव नहीं है उधर श्री जी की चर्चा सुनकर और श्री जी की चर्चा में सुंदर साथ को भाव में डूबते हुए देखकर बिहार जी को एक शक हो जाता है कि यदि इसी तरह से चलता रहेगा तो किसी न किसी दिन ये मेरी गादी ले लेंगे बिहार जी को और कोई चिंता ही नहीं है क्या कहते हैं देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को दिल सक ए तहकीक मसनंद मेरी लेगा ये बात बड़ी बुजुर्ग श्रीजी को गादी से कोई लेना देना ही नहीं है उनको पद नहीं चाहिए उनको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए <coughs> उन्हें केवल इस बात की चिंता है कि मेरा सुंदर साथ जागृत हो लेकिन बिहारी जी क्योंकि जैसे उनको गादी की पड़ी थी वे श्रीजी को भी वैसा ही सोचते हैं कि, कि किसी दिन मेरी गादी ये छीन सकते हैं मन ही मन सोच रहे हैं और श्री जी हर बार बिहारी जी से इसी बात की सलाह करते हैं कि जागनी कैसे करनी है एक दिन श्री जी ने कहा कि चलो ढूंढ काढ़ और। और को भी ढूंढ कर माया से निकालते हैं बिहारी जी कहते हैं कि नहीं 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 ये तो धर्म का काम नहीं है देवचंद्र जी ने हमें ऐसा नहीं सिखाया है कहते हैं तब श्री बिहारी जी कह राह नहीं इस्लाम जो आपन माया को छोड़ के कीजे विरक्त का काम देवचंद्र जी ने कभी ऐसा नहीं किया था वो परिवार छोड़कर के विरक्तों की तरह जगह जगह नहीं भटके थे उन्होंने तो एक ही जगह पर रह करके जागनी की जो भी करनी थी चलो कोई बात नहीं तुम नहीं रह सकते नौतनपुरी में तो मत रहो तुम कच्छ में जाकर के नौकरी कर लो श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज देवचंद्र जी ने मुझे परमधाम की निधि दी है परमधाम का खजाना दिया है और उसी से मेरे हृदय में जागृत बुद्धि भी आई है और आप जिसके जिस राजा के यहाँ नौकरी करने की बात कर रहे हैं सदगुरु महाराज की कृपा से जो तारतम ज्ञान हमारे पास है उससे मैं ऐसे एक नहीं अनेक राजाओं की जागृति कर सकता हूँ और वो राजा आपकी सेवा में चलेंगे भविष्य में अब हम तो किसी भी तरह से मैं इस चौदह युक्त माया को पकड़कर नहीं चलने वाला हूँ मेरी नज़र में इस ब्रह्मांड की कोई भी हैसियत नहीं है तो मैं माया का काम तो नहीं करूँगा सदगुरु महाराज की नज़र थी शकुंडल सकुमार में तो मैं भी अब उन्हें जगाने के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि सदगुरु महाराज ने कहा था जब उनकी जागनी होगी तो उनके द्वारा अज्ञानता का अंधकार समाप्त होगा इसीलिए मुझे तो चाहिए मुझे तो लगता है कि आपको भी मेरे साथ मिलकर के अथवा हम दोनों को साथ में मिलकर देवचंद्र जी ने जिस ज्ञान का प्रकाश किया था उसे बाहर प्रचारित करना चाहिए प्रसारित करना चाहिए फिर क्या कहते हैं यह जो इष्ट फिरके चले किया मूल बिना विस्तार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि का दावा करने वाले जागृत सुंदर साथ के लिए क्या कह रहे हैं श्री जी संसार में जितने मत मतांतर मतपंथ संप्रदाय चले हैं इनमें से अधिकांश तो ऐसे हैं जिनका कोई मूल ही नहीं है जिनका कोई आधार ही नहीं है ये जो इष्ट फिरके चले किया मूल विना विस्तार ज्ञान कहाँ तक का है दुनिया का हम एक तरफ कहते हैं कि स्वर्ग वैकुंठ और निराकार तक का ज्ञान है तो इसका मूल क्या है स्वर्ग वैकुंठ और निराकार मतलब शून्य है इसका मतलब क्या है बिना मूल के ये पैदा हुए हैं और इनका विस्तार हुआ है बहुत सारे मत मतांतर ऐसे हैं कुछ संप्रदाय आज से पचास साठ साल पहले बने हैं। कुछ तो अभी अभी बन रहे हैं कुछ नए नए मिशन बन रहे हैं जो आगे संप्रदाय का ही नाम लेंगे ये मिशन वो मिशन करके ये संप्रदाय का नाम धारण करने वाले हैं दस बीस साल के बाद और अभी इनके अनुयायियों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में है और आधार क्या है इसका कोई नहीं कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिनका कोई धार्मिक ग्रंथ का आधार भी नहीं है जैसे ब्रह्म कुमारी मत है उनका कोई ग्रंथ का कोई आधार है मौखिक रूप से जो अच्छा लगा जो बात समझ में आई सो बोल दी थोड़ा बहुत ध्यान के विषय में बता दिया और लोग उसके पीछे पागल हैं करोड़ों की संख्या में है आप स्वामी मत देख लीजिए और ऐसे ऐसे गुरु कि जिस संप्रदाय की शुरुआत करने वाले जो लोग हैं वही जेलों में पड़े हैं फिर भी लोग उनको अवतार मान मान रहे हैं और अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं आज मैंने देखा आप में से भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा एक पुस्तिका है ज्ञान गंगा ऐसा कुछ नाम है लोग फ्री में देते हैं आपको अपने शहर में मंगवाना है आप एड्रेस भिजवा दीजिए वो फ्री में साहित्य देते हैं कहीं ना कहीं तो वो लोग पैसा इकट्ठा करते ही होंगे ना तो छपवाने में खर्च कर रहे हैं जगह जगह पर बांटने में अपना टाइम लगा रहे हैं अपना तन मन धन लगा करके ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब का प्रचार कर रहे हैं जो अभी संगीन अपराध के कारण जेल में सजाए काट रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं हमारे पास तो आधार है ना अभी निजानंद संप्रदाय की पद्धति की चर्चा हम करेंगे हरिद्वार में जब पहुंचेंगे बिना आधार की एक भी बात नहीं हुई है सतगुरु ब्रह्मानंद है सूत्र है अक्षर रूप से लेकर के हर एक जो भी पद्धति में एक एक चीज जो आती है ना शिखा है शाखा है सूत्र है शाला है सुख विलास का स्थान है इष्ट है मंत्र है शास्त्र है हर चीज में ऐसा प्रमाण दिया गया है जिसको कोई काट नहीं सकता जिसको कोई नकार नहीं सकता तो हम अपने वाणी को अपने निजानंद दर्शन को निराधार कह सकते इसका तो आधार है और दुनिया में जितने मत मतांतर चल रहे हैं कुछ तो ऐसे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं फिर भी करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी हैं और हमारे यहाँ क्यों मैं ऐसा नहीं कह रहा कि संख्या ज्यादा है तो कोई चीज सही है और संख्या कम है तो कोई चीज़ गलत है पर हमने तो कुछ नहीं किया ना हम तो स्वयं में स्वयं मुंह बन करके बैठे रहे और हम अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं कि देखो हीरे की दुकान में तो लोग कम ही आते हैं है ना सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है ये अपने मुंह मिया मिठू होना है यदि ऐसी ही बात होती तो ये तो बिहारी जी कर ही रहे हैं हीरे की दुकान खोल करके बैठे रहना होता तो बिहारी जी कर रहे थे ये उनकी रीत है कि हमें नहीं निकलना है बाहर श्री जी क्या कह रहे हैं श्रीजी ये ये नहीं देख रहे हैं कि हीरे की दुकान है कि सेब की दुकान है क्या है उनको है पूरे ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान का प्रचार करना है और उसी प्रचार प्रसार के सिलसिले में जो ब्रह्म सृष्टियाँ होंगी वो साथ में जुड़ती जाएंगी ए वाणी गरजत माज संसार ये ऐसे ही थोड़ी कहा गया है हमारा कर्तव्य तो यही है ना कि हमारे तरफ से प्रयास कैसा होना चाहिए पूरे ब्रह्मांड तक तारतम ज्ञान पहुंचाने की श्री जी कहते हैं यह जो इष्ट फिरके चले किया मूल बिना विस्तार अपनी अखंड वस्तु श्रीधाम की और हमारी वस्तु कैसी है अखंड की परम धाम की वस्तु है परम धाम की न्यामत है और हमारे साथ तो धाम के धनी निश्चित रूप से सिर पर खड़े हैं सिर पर खड़े रहने का तात्पर्य हम पर मेहर करने के लिए पल पल तैयार हैं ये क्यों बता रहे हैं कि एक बार निकले तो सही आज से सात साल पहले या आठ साल पहले 2015 में नासिक में कुंभ का मेला लगा था तो हम लोग तीन दिन के लिए उस कुंभ के मेले में शामिल हुए थे लेकिन बारिश इतनी थी कि हम प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक नहीं लग पाए तीस लोगों की टीम थी और जिनमें ज्ञानपीठ के चार पांच विद्यार्थी थे और वडोदरा की कुछ महिला सुंदर सात हमने उसको ट्रायल के रूप में सोचा कि एक तरह से नेट प्रैक्टिस है प्रचार प्रसार के जितना हो पाता था जितना समय मिलता था बारिश रुकने पर उतना हमने किया और असली जो मुकाबला हुआ उस ट्रायल के बाद में वो उसके तुरंत लगभग लगभग आठ महीने के बाद हुआ जब उज्जैन में महाकुंभ का मेला लगा था 2016 के अप्रैल और मई में पूरा एक महीने का था वहाँ लगभग डेढ़ सौ सुंदर साथ रहते थे और सुंदर साथ को शुरू शुरू में डर लगा दो तीन दिन तक डर रहता था क्योंकि वहाँ कुंभ के मेले में क्या होता है हरिद्वार का प्रसंग तो आप चर्चा में सुनते ही हैं कितने सारे अखाड़े के लोग होते हैं और उस समय तो कम थे आज तो नए नए और भी संप्रदाय बने हैं ना तो हर अखाड़े के वहाँ पर प्रतिनिधि लोग होते थे इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ माताओं के बाल से लंबे लंबे उनकी जटाएँ तो देख के ही डर जाए कि ये तो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे इनके सामने हम कैसे कैसे बात करेंगे लेकिन राज्य की मेहर से राज्य ने इतना आसान कर दिया कि एक महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और कोई कोई भी बाबा कोई भी अखाड़े का व्यक्ति सामने इस तरह से लड़ने के भाव से तर्क करने के भाव से नहीं आ पाए क्यों नहीं आ पाए क्योंकि राज्य की मेहर से हमें जो राज्य ने वाणी दी है और वाणी ने जो धर्म ग्रंथों को खोला है जैसे स्वामी जी ने भी बहुत सारे साहित्य इस विषय में जैसे सत्यांजलि है तमस के पार है ज्ञान मंजूसा ऐसे बहुत सारे साहित्यों का लेखन कार्य किया है हमने ऐसे साहित्य जितने भी बड़े बड़े दाढ़ी वाले महाराज थे सबको दिया है और उसमें जो भी साहित्य हमने हमने वहां लगभग लगभग तीस लाख के आसपास ब्रोशर प्रकाशित किए थे और सब में हम जिस स्थान पर रह रहे थे जिस पंडाल पर रह रहे थे उसका पता भी दिया था पर कोई नहीं आया हाँ केवल न्यूज़ वाले आए कि उन्होंने देखा कि डेढ़ सौ लोगों की संख्या है एक जैसा वस्त्र पहन करके अलग अलग जगह पर प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं तो तीन चार न्यूज़ वाले दो तीन अलग अलग लोकल न्यूज़ चैनल वाले आए और उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हम भी पहले क्योंकि आज से सात आठ साल पहले मेरी भी अवस्था कम ही थी जो माताएं थी उनका भी पहला पहला प्रयास था पर राज्य पर भरोसा रख कर के हम निकले तो राज्य ने लाज रखी राज्य ने इज्जत रखी यहाँ पर भी श्री जी यही कह रहे हैं कि खड़े सिर पर धनी निर्धार धाम धनी हमारे सिर पर मेहर करने के लिए पल पल खड़े हैं तो जो दुनिया बिना आधार के इतना बड़ा काम कर सकती है हमारे पास तो आधार है वो भी सत का अखंड का आधार है हमें कैसा कार्य करना चाहिए ये श्री जी सब सुंदर साथ को प्रेरित कर रहे हैं अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि श्री जी के इस प्रस्ताव का बिहारी जी पर क्या असर पड़ता है और किस तरह से बिहारी जी ईर्ष्या के वसीभूत होकर खम्बालिया के राजा को चुगली कर देते हैं कि मिहरराज यहाँ से आने वाले हैं क्योंकि मिहरराज से वो लौकिक रूप से दुश्मनी रखते थे इसका परिणाम क्या निकलता है कैसे श्री जी का नाव छूटने की वजह से उनको पैदल यात्रा करनी पड़ती है इन सारी घटनाक्रमों को सुनेंगे हम कल अब समय पूरा होता है दोराइए यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार अपनी अखंड वस्त श्रीधाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार खड़े सिर पर धनी निर्धार बोलो बोल श्री प्राणनाथ बोल श्री सदगुरु महाराज प्रणाम